हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कलर कस्टम रिंगटोन्स वगैरह को सेट कर सकते हैं और कैसे आप सॉन्ग्स वगैरह को अपने रिंगटोन में कॉलिंग्स रिंगटोन में लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने कॉलिंग्स में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कस्टम रिंगटोन्स को सेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही बेल आइकन से ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो भी हमारे फ़ोन में कलर स्कीम वगैरह, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कस्टम रिंगटोन्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, तो साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है। क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो कस्टम रिंगटोन्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो सिंपली आपके पास आ रहा है रिंगटोन सेटिंग, तो रिंगटोन सेटिंग पे जाएंगे, जहाँ से जो भी कस्टम रिंगटोन्स आप सेट करना चाहें, चेंज करना चाहें, कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ से डाउनलोड करके भी रिंगटोन्स को चेंज करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप रिंगटोन्स आ रहे हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्री इंस्टॉलेड सेटिंग पे जाना है, जहाँ से आप रिंगटोन सेटिंग पे जाकर जो भी कस्टम रिंगटोन्स को चेंज करना चाहें कर सकते हैं। बस आपको गैलरी पर जाना है और यहाँ से सॉन्ग का लगाना है और ओके करते ही जो कस्टम रिंगटोन्स हमारे फ़ोन में सेट हो जाएगी, इतने ही सेट हो जाएगी, क्योंकि शायद हमने इसको अप्लाई नहीं करा, पर अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिए आपको टैप करना है और अप्लाई करते ही कस्टम रिंगटोन्स हमारे फ़ोन में सेट हो जाती है। तो इस तरीके से कस्टम रिंगटोन्स को आप सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में और यूज़ कर सकते हैं कॉलिंग में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।